हेलो दोस्तों, नमस्कार। जेई क्लास मेट परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं हेमंत कुमार और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल्स, यानी कि वैद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी पदार्थ। दोस्तों, शॉर्ट में इसे हम EEEM के नाम से जानते हैं और ये जो सब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए UPVET बोर्ड के द्वारा डिजाइन किया गया है। उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से पहले एक जो एक वीडियो डाला गया है जिसमें सिलेबस इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया है आपको, वहां पर आपको ये बताया गया है कि कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, क्या क्या सिलेबस में गिवन है और कौन से जो चैप्टर्स हैं वो एग्जाम के पर्पस ऑफ व्यू से आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सब तमाम चीजों के बारे में आपको जानकारी दी गई है। उम्मीद करता हूं कि आपने उस वीडियो को जरूर देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो उसे जरूर देख लीजिए और फिर आज की इस क्लास को कंटिन्यू कीजिए। जेई क्लास मेट के परिवार से आपको कोई भी क्विक इन्फॉर्मेशन या फिर क्लास शेड्यूल वगैरह प्राप्त करने के लिए आप हमारे JEE पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और कोई विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे नंबर 8650959597 पर आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारा जो JEE क्लास मेट की ऑफिशियल ऐप है वहां पर ना सिर्फ आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराई जाती है बल्कि वहां पर आपको क्लास नोट्स PDF के फॉर्मेट में भी दी जाती है जहां से आप अपने एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि JEE क्लास मेट के ऑफिशियल ऐप को आपने डाउनलोड कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो निश्चित रूप से कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए इस ऐप के बारे में ताकि उनके भी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे ढंग से हो सके। ठीक है, चलिए तो आज हम स्टार्ट करेंगे EEEM। ये हमारा फर्स्ट क्लास होगा और फर्स्ट लेक्चर जिसे कहते हैं और फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत आज हम करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है क्या, पदार्थों का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स में क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ जिससे एक्चुअली में क्या है कि हम जो भी टॉपिक यहाँ पर कवर करेंगे वो टोटली फोकस्ड होगा ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आपने देखा टॉपिक ना कि पदार्थों का वर्गीकरण, तो आपके दिमाग में तुरंत एक चीज दौड़ेगा कि अच्छा, पदार्थों का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स है, यानी कि सॉलिड लिक्विड एंड गैस की बात होगी, है ना, यानी कि ठोस द्रव और गैस की बात होगी। ऐसा नहीं है, वो जनरल क्लासिफिकेशन है पदार्थों का। यहाँ पर हम लोग जनरल क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ने वाले, यहाँ पर होल थिंग्स हम लोग पढ़ेंगे रिलेटेड टू ओनली इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के फील्ड से। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो हम पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड से रिलेटेड होगा। और आपको बता दूं कि आपके इस चैप्टर्स में दो आपको टॉपिक पढ़ने हैं खास करके इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो, और वो दो टॉपिक कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात हम लोग करेंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना के आधार पर बात करेंगे। और दूसरा क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप यानी कि ऊर्जा बैंड गैप के आधार पर। ठीक है, तो ये दो जो आपके बेसिस हैं, दो जो बेस होंगे उन दो बेस के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे। चाहे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना के आधार पर आप पदार्थों का वर्गीकरण कीजिए या फिर आप एनर्जी बैंड गैप के आधार पर आप पदार्थों का वर्गीकरण कीजिए। वर्गीकरण में हम लोग तीन ही टाइप्स पढ़ेंगे और इसमें मैं बता देता हूँ पहले ही ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। सबसे पहला जो टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोग चालक पदार्थ। और चालक पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, चालक को हम लोग कहते हैं कंडक्टर। ठीक है, चालक को हम लोग कहते हैं कंडक्टर। सेकेंड जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोग अर्धचालक पदार्थ, अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर। ठीक है, आपको पता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। और थर्ड जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, थर्ड क्या पढ़ेंगे, थर्ड हम लोग पढ़ेंगे इंसुलेटर यानी कि इसे कहते हैं विद्युत रोधी पदार्थ। ठीक है, विद्युत रोधी को हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं इंग्लिश में। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम ये तीन टॉपिक ही पढ़ना है थ्रू द होल चैप्टर, बट यहाँ पर आधार दोनों का अलग अलग होगा। दोनों के आधार पर, चाहे एटॉमिक स्ट्रक्चर के आधार पर आप इसको पढ़ेंगे तीनों को या फिर एनर्जी बैंड गैप के आधार पर आप तीनों जो पदार्थों का वर्गीकरण है उसको पढ़ेंगे, उनके अकॉर्डिंग तीनों का जो डेफिनेशन है दोनों के आधार पर अलग अलग होंगे। इसीलिए एग्जाम में खास करके पूछा जाता है कि जो पदार्थ है वर्गीकरण कीजिए परमाणु संरचना के आधार पर, तो आपको उसके जो डेफिनेशन है ना
वो परमाणु संरचना के आधार पर ही देना है, ठीक है। और अगर पूछे कि एनर्जी बैंड के आधार पर, एनर्जी बैंड गैप के आधार पर आप क्या कीजिए, पदार्थों का वर्गीकरण कीजिए, तो आपको इसके आधार पर ही इसका डेफिनेशन लिखना है, यानी कि दोनों के आधार पर इन तीनों का जो डेफिनेशन है वो अलग अलग हो जाता है। तो इस बात का खास ध्यान रखेंगे, इसीलिए दो टॉपिक पढ़ाया जाएगा आपको, और ये दोनों टॉपिक कोई एक टॉपिक एग्जाम में निश्चित रूप से आना ही आना है, ठीक है। और खास करके एनर्जी बैंड गैप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये भी आ चुका है कई बार एग्जाम में, लेकिन ये इससे भी ज्यादा बार आया हुआ, तो दोनों को पढ़ेंगे क्योंकि दोनों में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें, क्योंकि सबसे पहला टॉपिक आपका ये होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर आप परमाणु संरचना का क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। लेकिन हम क्लासिफिकेशन तो तब करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पर जब हमें पता हो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर है क्या, है ना। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम लोग पहले पढ़ेंगे। देखिए एटम्स के बारे में अगर मैं बात करूं, अगर मैं एटम की बात करूं, है ना, अगर मैं एटम की बात करूं तो आप सभी को पता है कि एटम क्या होता है। एटम हमारे ब्रह्मांड का सबसे सूक्ष्मतम कण है। सूक्ष्मतम कण मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। आपको ये पता है कि हमारे पूरे ब्रह्मांड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, ठीक है। बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस एटम के बारे में बहुत सारी बातें बताई, है ना। थॉमसन आया, थॉमसन की बात करेंगे, जे थॉमसन, उसके बाद हम बात करेंगे रदरफोर्ड की बात करेंगे, उसके बाद फिर हम नील्स बोर की बात करेंगे। इस बीच में भी और कई साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ढेर सारी बातें बताई एटम्स के बारे में, अपने अपने थ्योरी को, अपने अपने कॉन्सेप्ट को हमें बताया, हमारे बीच में लाया। लेकिन धीरे धीरे जो भी चीजें थी सुधार होता गया उसके कॉन्सेप्ट में, और उसके जो जो कुछ दोष थे उस थ्योरीज में उसको भी दूर किया गया धीरे धीरे करके, ठीक है। और लास्ट में जो नील्स बोर नाम का वैज्ञानिक था, है ना, उसने सबसे लेटेस्ट में इस थ्योरी को दिया, और नील्स बोर के द्वारा जो दिया गया थ्योरी था उसे कहा गया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। क्योंकि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी जो चलन में है, अभी जो लेटेस्ट हमारा जो थ्योरी है एटम का, वो आपका नील्स बोर के द्वारा ही दिया गया, और इसलिए इसके थ्योरी को कहा गया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो अब तक का जो लेटेस्ट चीजें हैं वो हम आज पढ़ेंगे कि एटम के बारे में, ठीक है। तो ये तो पढ़ेंगे और इसके आधार पर ही हम लोग पदार्थों का वर्गीकरण भी करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नील्स बोर ने या फिर इससे पहले जो साइंटिस्ट थे उसने भी बताया कि जो आपका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है हमारे यूनिवर्स का, वो है आपका एटम, ठीक है। वो क्या है, एटम है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। और उसके बारे में ये बताया कि जो हमारा एटम है उसमें तीन पार्टिकल होते हैं, तीन पार्टिकल, ठीक है। और वो पार्टिकल तीन तीन कौन कौन से है ये मैं आपको बताता हूँ। पहला जो पार्टिकल है वो है आपका है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा आपका प्रोटॉन, और तीसरा आपका न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन पार्टिकल बताया, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को पुनः और किसी पार्टिकल में विभाजित नहीं किया सकता है, यानी कि जो आपके एटम है वो एटम इन तीन जो पार्टिकल्स है उससे मिलकर बना हुआ है। बहुत सारी बातें बताई गई, लेकिन ज्यादा डेप्थ में हमें ये नहीं पढ़ना कि एटॉमिक थ्योरी क्या है, हमें इसके आधार पर क्लासिफिकेशन पढ़ना है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बट हाँ जितनी चीजें बताई गई है उसके बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसकी, एटॉमिक थ्योरी की, जो कि नील्स बोर के द्वारा दिया गया, तो उसने ये बताया कि हमारा जो एटम है वो बेसिकली स्फेरिकल इन शेप होता है। स्फेरिकल इन शेप मतलब क्या है कि इसका जो आकार है वो गोलाकार होता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये है मान लीजिए आपका एटम का बाहरी क्षेत्र, ऐसा पूछ कीजिए, इस तरीके से गोलाकार है बिल्कुल। और फिर उसने बताया कि जो इसके सेंटर है, जो एटम होता है उसके सेंटर जो है, उसके सेंटर पर क्या होता है, हमारा एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस को कहते हैं हम लोग नाभिक। यह है न्यूक्लियस, और इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये बताया कि ये जो न्यूक्लियस है ना, इस न्यूक्लियस पर एक आवेश होता है। क्या होता है, आवेश, यानी कि यहाँ पर एक चार्ज होता है, और चार्ज का जो नेचर होता है वो होता है आपका प्रोटॉन, या सॉरी उसका आवेश का नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और इस पॉजिटिव आवेश को, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कहा गया, इस पॉजिटिव चार्ज को कहा गया प्रोटॉन, ठीक है। हिंदी में भी हम लिखेंगे ऐसे ही, प्रोटॉन, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ ये बताया गया इसके न्यूक्लियस पर ही एक और पार्टिकल होता है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन। क्या कहते हैं, जिसे हम लोग न्यूट्रॉन कहते हैं। ये है आपका एन, एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये है आपका न्यूट्रॉन, ठीक है। हिंदी में भी हम न्यूट्रॉन को ऐसे लिखते हैं,
ठीक है, यह न्यूट्रॉन। और उसके बाद ये बताया गया कि ये जो नाभिक है, ये जो न्यूक्लियस है, उसके चारों ओर एक पार्टिकल मूव करता रहता है, और इस पार्टिकल का नाम जो दिया गया वो क्या है, इस पार्टिकल का नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस पार्टिकल का नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स। ये जो पार्टिकल्स है वो चारों ओर इसके नाभिक के चारों ओर मूव करता रहता है, न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करता रहता है। ये लेटेस्ट है सबसे, ठीक है। अच्छा, अब ये भी बताया कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे जो आवेश होता है, उस आवेश का जो नेचर है यानी कि उसकी जो प्रकृति है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। इसका जो नेचर है दोस्तों ये होता है पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर धनात्मक आवेश होते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पर जो आवेश होता है वो होता है आपका नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, यानी कि चार्ज यहाँ पर जीरो होता है, शून्य होता है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में बताई गई। तो एक बार फिर से बता देता हूँ शॉर्ट में कि क्या क्या बताया हमने। बताया गया कि कोई भी जो एटम है उसका जो आकार है वो स्फेरिकल इन शेप होता है, ठीक है। जो एटम होता है उसके सेंटर पर एक नाभिक यानी कि न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस पर दो पार्टिकल होते हैं, एक का नाम होता है प्रोटॉन, दूसरे का नाम होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के चारों ओर थोड़े से दूर हट करके क्या होता है, एक और पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है, और इस पार्टिकल का नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसके इसके प्रकृति की अगर बात करें, हम इसके नेचर की बात करें, तो जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर बताया गया कि ये पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया गया कि ये नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है, और न्यूट्रॉन के बारे में बताया गया कि ये कोई भी चार्ज कैरी नहीं करता है, यानी कि ये परमाणुता क्या होता है, उदासीन होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है, ठीक है, यानी कि उसका कोई भी चार्ज जीरो चार्ज होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यहां पर एक कॉन्सेप्ट निकल के आएगा यहां से कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, उन दोनों का न्यूक्लियस के साथ क्या रिलेशनशिप है, इससे एक रिलेशनशिप हमें फाइंड आउट करना है। देखिए, उसी के आधार पर फिर हम पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे। देखिए, एक तो हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, एक तो हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक आपका हो गया प्रोटॉन। यह है प्रोटॉन, यहां पर P लिख देते हैं हम लोग, यह है प्रोटॉन, ठीक है, और यह है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के साथ इस न्यूक्लियस का क्या संबंध है और प्रोटॉन के साथ इस न्यूक्लियस का क्या संबंध है, यानी कि आप लिख सकते हैं, यहां पर मैं लिख रहा हूं उसको कि यहां पर बॉन्डिंग देखना हमें एक्चुअली, है ना, बंधन देखना है, बॉन्डिंग के बारे में देखना है, ठीक है। और बॉन्डिंग किसके किसके बीच में देखना है, एक तो आपको न्यूक्लियस रखना है, एंड बॉन्डिंग बिटवीन, मैं लिख देता हूं यहां पर बॉन्डिंग बिटवीन, पहला आपका ये है न्यूक्लियस एंड किसके, प्रोटॉन के, या फिर पहले इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स के बीच की बॉन्डिंग कैसी होगी, और फिर सेकंड में आपको क्या लिखना है, न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन के बीच में बॉन्डिंग कैसी होगी, है ना, इन दोनों पर हमें चर्चा करना है। देखिए, संबंध ये है कि ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन और न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है उसके बीच की बॉन्डिंग कैसे होगी, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके इस न्यूक्लियस के साथ कैसी बॉन्डिंग होगी। देखिए, आप खुद बताइए कि इन दोनों में से बॉन्डिंग किसका ज्यादा स्ट्रांग होगा, जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच का बॉन्डिंग अधिक स्ट्रांग होगा, या न्यूक्लियस या प्रोटॉन के बीच की बॉन्डिंग अधिक स्ट्रांग होगा। देखिए, आप सभी को पता है कि जो नजदीक होता है उसकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी होती है, जो आपके दोस्त आपके साथ रहते होंगे, जो आपके दोस्त आपके पास ही रहते होंगे उसके साथ आपकी बॉन्डिंग, उनके साथ आपके संबंध बहुत ही अच्छे होंगे, और जो दोस्त कहीं दूर रहते हैं उनसे कभी कभार बातें होती होंगी, कभी कभार उनसे मिलना होता होगा, कभी कभार उनके साथ घूमना फिरना होता होगा, और कभी कुछ हो जाए अगर, तो सबसे पहले दोस्ती आपकी जो दूर के उनसे ही टूटेगी, क्योंकि उनसे आपकी बातचीत कम रहती है, लेकिन जो पास में होते हैं, जो आपके साथ हमेशा रहते हैं, उनकी दोस्ती आपके नहीं टूटती है जल्दी, है ना। तो इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो क्या होती है, वीक होती है। क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से काफी दूर है, है ना। लेकिन अगर मैं न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन की बात करूं तो यहां पर जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रांग होती है। क्यों, क्योंकि जो आपके प्रोटॉन है और न्यूक्लियस है दोनों बहुत एक दूसरे के नजदीक है, इसलिए इसके बॉन्डिंग को तोड़ना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स है जो न्यूक्लियस के काफी दूर है, है ना, इसको थोड़ा सा भी अगर हम फोर्स देते हैं तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियस से अपनी बॉन्डिंग को
ब्रेकअप कर लेगा और ब्रेकअप करते ही ये फ्री हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे जैसे इसकी बॉन्डिंग टूटती है, थोड़े से भी फोर्स अगर हम लगाएंगे तो इसकी बॉन्डिंग टूट जाएगी, और जैसे इसकी बॉन्डिंग टूट जाएगी तो क्या होगा, ये फ्री हो जाएगा किसके लिए, मूव करने के लिए। तो जो मूव करने के लिए फ्री हो जाए ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो मूव करने के लिए फ्री हो जाए, इसे कहते हैं हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन, या हिंदी में कहते हैं हम लोग मुक्त आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्त आवेश, ठीक है। और यही मुक्त आवेश के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, आप मतलब बेसिकली हम लोग चर्चा करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स का, यानी कि पदार्थों का वर्गीकरण का, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? देखिए, तो ये तो था आपका एटॉमिक थ्योरी। तो इसके बारे में मैंने आपको लिख भी दिया है, आप इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ गए होंगे, क्योंकि मैं हर शब्द को, हर वर्ड को इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो देखिए, तो हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में, फिर प्रोटॉन के बारे में, फिर न्यूक्लियस, न्यूट्रल के बारे में, फिर न्यूक्लियस के बारे में, इन सब चीजों का चर्चा करेंगे ही। लेकिन आपको बस इतना समझना है फिलहाल कि जो इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की बॉन्डिंग वीक होती है, और न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन की बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। इसलिए प्रोटॉन न्यूक्लियस की बॉन्डिंग को तोड़ना काफी डिफिकल्ट होता है, लेकिन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग को वीक होने की वजह से तोड़ना काफी आसान होता है। और यही रीजन है कि इलेक्ट्रॉन के वजह से करंट फ्लो होता है, यही रीजन है कि इलेक्ट्रॉन्स के वजह से करंट फ्लो होता है, क्योंकि आपको पता है ना कि आवेशों के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आपको पता है ना कि आवेशों के प्रवाह के दर को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, यानी कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ये तो पता ही आपको। तो यहाँ पर जो चार्ज है ना, वो चार्ज का रेट, कौन से चार्ज का रेट या किस चार्ज के फ्लो की बात करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही एक ऐसा पार्टिकल है जो फ्री टू मूव है, यानी कि मुक्त अवस्था में है, यानी कि मूव करने के लिए बिल्कुल फ्री है ना। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि करंट जो है ना वो फ्लो होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नॉट फ्लो ऑफ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो नहीं फ्लो होता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन की वजह से आपका जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो इतने सारे तमाम जानकारी आपको बता दिया गया है, इसके बाद और भी चीजें हम बात करेंगे, लेकिन पहले इसके जो पार्टिकल्स हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए पार्टिकल्स क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला पार्टिकल मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको बताया गया है आपको डायग्राम में, ये है आपका, इसको कहते हैं हम लोग, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो दिख रहा है आपको, ये है आपका न्यूक्लियस, क्या है, ये आपका न्यूक्लियस, ठीक है। ये देखिए न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस पर दो चीजें होती है, एक तो होता है आपका प्रोटॉन और एक होता है आपका न्यूट्रॉन। जो ग्रीन ब्लू कलर में दिख रहा है आपको, ब्लू कलर में है प्रोटॉन, और जो येलो कलर में है वो दिख रहा है आपको न्यूट्रॉन, ठीक है। अब देखिए इस न्यूक्लियस के चारों ओर जो है ना वो चक्कर काट रहा है कौन, ये देखिए अपने ऑर्बिटल पर घूम रहा है कौन, ये है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन एक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, और तीसरा इलेक्ट्रॉन आपका ये है, दिख रहा है। आपको ध्यान रखना है कि जितने प्रोटॉन होंगे इसके नाभिक पर, जितने प्रोटॉन होंगे इसके न्यूक्लियस पे, उतने इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों ओर चक्कर काटेंगे। देखिए तो दो आप, तीन आपके क्या है प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन और ये तीन प्रोटॉन, तो यहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉन भी चक्कर काट रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ में आ गया होगा आपको। चलिए तो बारी बारी से हम बात करेंगे तीनों पार्टिकल के बारे में, पहले तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में, फिर बात करेंगे प्रोटॉन के बारे में, फिर बात करेंगे हम लोग न्यूट्रॉन के बारे में, फिर बात करेंगे हम लोग न्यूक्लियस के बारे में, नाभिक के बारे में। तो चारों चीज पर हम लोग चर्चा करेंगे बारी बारी से, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन है ना उसकी जो खोज है, इसका जो डिस्कवरी है, वो डिस्कवर किसने किया था, जे.जे. थॉमसन। तो आपको ध्यान रखना है जे.जे. थॉमसन नाम का जो साइंटिस्ट था उसने ही इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था हमें, और इसीलिए जो खोजकर्ता है यानी कि डिस्कवरी है वो कहा जाता है कि जे.जे. थॉमसन ने किया था, ठीक है। तो पहली बात आपको ये ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट इसके मास के बारे में आपको ध्यान रखना है, मास यानी कि द्रव्यमान के बारे में। तो द्रव्यमान ये कहा जाता है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है उसकी जो मास है, उसका जो द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन एटम के यानी कि हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1837 भाग है। ये आपको पॉइंट याद रखना है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन का, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर, अगर हाइड्रोजन का मास एक है तो अगर आप बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा, 1/1837, 1/1837। तो आपको ध्यान रखना है
ये मैं मान रहा हूं, अगर 100 होगा ये, तो फिर ये 100 बटा 1837 हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी को पता है। देखिए तो हाइड्रोजन, वैसे ये तो मैंने बताया कि इतने अगर कंपेरिजन करेंगे हाइड्रोजन से, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना सबसे यूनिवर्सल क्या है, एटम है, यानी कि सबसे फर्स्ट एटम है और ये सभी जगह एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल एटम भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हम जो भी कंपेरिजन करते हैं वो एक ऐसे एटम से कंपेरिजन करते हैं जो यूनिवर्सली एग्जिस्ट करता है, तो हाइड्रोजन उन्हीं में से एक है, तो इसलिए हम लोग हाइड्रोजन से ही कंपेरिजन करते हैं। और कंपेरिजन में मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके जो मास है वो हाइड्रोजन के 1/1837 पार्ट है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप याद रखना चाहते हैं तो इसको बिल्कुल याद रखेंगे कि 9.1094 × 10⁻²⁸ ग्राम होता है आपका मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन अगर ग्राम की बात नहीं बल्कि हम केजी की बात करेंगे तो उसे क्या करते हैं, 100 से फिर हम डिवाइड कर देते हैं, और जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका माइनस का 31 बन जाएगा, माइनस 28 था 1000 से, सॉरी 100 नहीं 1000 से, अगर 1000 से आप डिवाइड कर देंगे तो ग्राम से केजी में कन्वर्ट होकर क्या दे देगा, 10⁻³, ठीक है, यानी कि 3 पावर और बढ़ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, इसके मास को याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश आपको ध्यान रखना है कि जो विद्युत आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर वो होता है −1.6022 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो आवेश है वो माइनस में होता है, प्रोटॉन का प्लस में होता है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैंने बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और इसीलिए इसकी जो आवेश है वो हमेशा नेगेटिव होता है, और कितना होता है माइनस का 1.6022 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये आपको याद होगा, पहले भी आपने पढ़ रखा होगा। संकेत क्या है इसका, यानी कि कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे इंडिकेट करते हैं, सो द इंडिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज एज अ इलेक्ट्रॉन्स ई ऊपर पार, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ई यानी इलेक्ट्रॉन और ये नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है जो माइनस का साइन बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी प्रकृति, यानी कि इसका नेचर कैसा होता है, तो नेचर होता है आपका इसका, नेचर की अगर बात करेंगे तो नेगेटिव होता है नेचर, नेचर कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाभिक में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, यानी कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑन द एनी एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जितने प्रोटॉन होंगे किसी भी एटम पर उतने ही नंबर्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स के उस एटम पर, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो बराबर होती है किसी भी एटम में, ठीक है। ये यहाँ पे एक पॉइंट मैंने आपको इम्पोर्टेंट बता दिया आपको, ठीक है। तो आई थिंक आपको इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा जो पार्टिकल है उसके बारे में, नेक्स्ट पार्टिकल क्या है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के जो खोज करता है वो है आपका गोल्डस्टीन, ठीक है, इसका नाम याद रखेंगे, गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने सबसे पहले हमें प्रोटॉन के बारे में बताया, और इसका जो मास होता है वो होता है आपका 1.66 × 10⁻²⁰ ग्राम, और इसे आप क्या करेंगे, अगर डिवाइड करेंगे 1000 से तो ये बन जाएगा किलोग्राम, तो अगर आप 10⁻²⁴ को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये पावर 3 बन जाएगा, और पावर 3 ऊपर जाकर क्या बना देगा, 10⁻²⁷, ठीक है। तो ये अगर ग्राम में आप 1000 से भाग देंगे तो केजी में बन जाएगा और 24 का माइनस 27 हो जाएगा, ठीक है। तो 27 केजी आपका 1.66 × 10⁻²⁷ केजी वेट होता है किसका, यानी कि द्रव्यमान होता है किसका, वेट नहीं सॉरी द्रव्यमान यानी कि मास होता है किसका, प्रोटॉन का। और ये आपको ध्यान रखना है कि इतना ही मास होता है हाइड्रोजन एटम का, कितना 1.66 × 10⁻²⁷ केजी, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन का मास है वो इक्वल है किसके, हाइड्रोजन एटम के मास के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है इस पर, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर जो आवेश होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले स्लाइड में ही कि इसके जो नेचर है वो क्या है, पॉजिटिव है, प्रोटॉन का क्या होता है, पॉजिटिव, और यही रीजन है कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो इसके आवेश होंगे पॉजिटिव होंगे, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। संकेत क्या होता है इसका, पी होता है, और प्रकृति कैसा होता है इसका, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, पॉजिटिव नेचर का होता है, ठीक है। तो आपने प्रोटॉन के बारे में भी समझ लिया अच्छे से, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन के जो खोजकर्ता है वो जेम्स चैडविक है, जेम्स चैडविक नाम है इसका न्यूट्रॉन के खोजकर्ता, और खोजकर्ता के लिए तीनों का आपको ध्यान रखना है, तीनों क्या, चारों के लिए, तीनों के लिए मैं बता दूं, जैसे एक तो हो गया आपका, पहला था क्या, इलेक्ट्रॉन, फिर आपका प्रोटॉन, और फिर आपका न्यूट्रॉन,
देखिए इसके लिए आपको याद रखना है ईट पग नाच, ठीक है, ईट पग नाच ये ध्यान रखेंगे। ये एक आपका फॉर्मूला जैसे बन गया, इसे आप याद रख सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक है। ईट, ईट का मतलब है, ई से मतलब इलेक्ट्रॉन और टी से मतलब है थॉमसन, ठीक है। टी से मतलब क्या है, थॉमसन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो खोज करता है वो कौन है, थॉमसन है। और पग का मतलब देखिए, पग पी से है, मतलब है प्रोटॉन, ठीक है। और ग से मतलब क्या है, गोल्डस्टीन, ठीक है, ये आपने भी पढ़ा था गोल्डस्टीन। और नाच, नाच एन से मतलब क्या है, न्यूट्रॉन। और ची से मतलब, चौ से मतलब क्या है, चैडविक। तो आप ध्यान रखेंगे ईट पग नाच, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन चैडविक, ठीक है। तो ध्यान रखें, कन्फ्यूजन नहीं होगा फिर आपको याद करने में, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए तो ये तो आपको समझ में आएगा। फिर द्रव्यमान की अगर हम बात करें, यानी कि मास ऑफ द ये न्यूट्रॉन की बात अगर करें हम, तो इसका जो मास होता है वो आपका 1.6 × 10⁻²⁴ ग्राम, या फिर 1.6 × 10⁻²⁷ किलोग्राम, यानी कि फिर से एक बार हजार से भाग देंगे तो ये निकल के आएगा। और आपको एक चीज ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि ये भी हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर है, हाइड्रोजन एटम के मास के इक्वल है, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन एटम के मास की बात करें, या फिर हम प्रोटॉन के मास की बात करें, या फिर हम न्यूट्रॉन के मास की बात करें, इसके मास जो है वो बिल्कुल बराबर होते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मास जो है इन सबसे अलग होता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके नेचर की बात करेंगे, तो यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन हमेशा न्यूट्रल होता है, ठीक है, ये बात का ध्यान रखेंगे कि न्यूट्रॉन हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल होता है, कोई भी चार्ज, कोई भी आवेश नहीं होता है। इसलिए कहा गया है कि इसके पास शून्य आवेश है, यानी कि जीरो चार्ज है। संकेत क्या है, स्मॉल एन, ठीक है, ये तो बार हम लोग लिख ही रहे हैं, स्मॉल एन। और उसके बाद इसके प्रकृति क्या है, बिल्कुल न्यूट्रल, यानी कि उदासीन है, ठीक है, नो एनी चार्ज, न्यूट्रॉन कैरी नो एनी चार्ज, ठीक है, यानी कि कोई भी चार्ज को कैरी नहीं करता है, दैट्स वाई इसको न्यूट्रल या हिंदी में उदासीन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पर, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, नाभिक, यानी कि न्यूक्लियस। तो मैंने आपको चार चीजें बताई थी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड देन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बारे में बता दूं कि न्यूक्लियस के जो खोज करता है वो रदरफोर्ड है। इस पर जो उपस्थित कण है, न्यूक्लियस पर दो कण होते हैं, दो पार्टिकल होते हैं, एक तो होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है, ये होता है परमाणु के केंद्र पर, ये आपको पता ही है। अब देखिए इसमें क्या है कि नाभिक एवं प्रोटॉन के बीच का बंधन क्या होता है, बहुत ही मजबूत होता है, यानी कि द बॉन्डिंग बिटवीन न्यूक्लियस एंड द प्रोटॉन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड द बॉन्डिंग बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, वेरी वीक। ये मैंने आपको लिख के भी बता दिया था कि न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच का जो बॉन्डिंग होता है वो वीक होता है, और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री टू मूव होता है, फ्री टू मूव होता है, यानी कि इसको कहते हैं ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। और ये कहाँ बताया था मैंने आपको, जब हमने एटॉमिक थ्योरी की बात की थी, यहाँ बताया था ना कि ये जो आपका, अगर हम बात करेंगे बॉन्डिंग बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स की, तो वीक होता है, और न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन की बात करेंगे तो इसके बीच की जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग होती है। इसलिए प्रोटॉन को तोड़ना, प्रोटॉन का ब्रेकअप कराना इस न्यूक्लियस के साथ बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का ब्रेकअप न्यूक्लियस से कराना बहुत ही आसान होता है, थोड़ी सी अगर फोर्स लगाएंगे तो ये हमारा मूव कर जाएगा, और इसी की वजह से आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो होता है। तो इन सब तमाम चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हुआ, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर पे वर्गीकरण अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कैसे इसके आधार पर इसको डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले, और फिर तुरंत हम लोग पढ़ेंगे उसी क्लास में ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आया होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्योंकि ये मेन चीज था समझना। अगर आपने एक बार को ये समझ लिया एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो आपको आगे क्लासेज में समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, थैंक यू सो मच। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।